मथुरा के कोसीकला रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली से झांसी जा रही थी और जैसे ही ट्रेन कोसीकला स्टेशन पर पहुंची, महिला को प्रसव का दर्द हुआ। महिला के पति ने तुरंत ही स्टेशन स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद आरपीएफ ने महिला को स्टेशन पर उतारा। महिला ने स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद एम्बुलेंस बुलाकर महिला को अस्पताल भेजा गया। हम दिल्ली से गांव जा रहे थे अपने, तो अचानक जैसे हम निजामुद्दीन से निकले तो रास्ते में पेट दर्द करने लगा। फिर गाड़ी यहाँ पर कोसीकला पर रुकी, तो हमने फिर सोचा पेट ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, सच्चे यहाँ पर उतर लेते हैं, आगे पता नहीं क्या कैसा होगा। तो यहाँ पर उतरते फिर डिलीवरी का होते होने गई बच्चे पे, तो फिर पुलिस के द्वार में सहायता की, पुलिस वाले ने फिर फोन लगाया जो वहाँ के स्टेशन मास्टर आरपीएफ वगैरह जो, हाँ जी आरपीएफ वालों ने फोन लगाया, तो वहाँ पर हमारे लिए सहायता के लिए एम्बुलेंस भी आए। लेकिन जिस टाइम एम्बुलेंस आया उस टाइम पर बच्चा हो चुका था, लेकिन उनकी सहायता से हम अस्पताल से सुविधा से अच्छी तरह से आ गए। स्टेशन में बच्चा हो गया, हाँ जी। अब बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं? दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाइस दक्षिण एक्सप्रेस आई हम प्लेटफॉर्म पे रात को 12:30 बजे में, ड्यूटी में तैनात था, तो उस समय यहाँ पे एक पैसेंजर अपनी वाइफ को लेकर उतरा जिसके की डिलीवरी हुई थी, तो उसको प्रसव पीड़ा बहुत अत्यधिक हुई। हम लोग आए यहाँ पर अपने SIPF को जब बुक कराया, तो वो लोग गए वहाँ पे सारे लोग, तो एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस में टाइम लगा थोड़ा, तो उसकी जो डिलीवरी थी यही होगी। कौन था, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता पड़ी? वो लोग छतरपुर MP के रहने वाले थे जो निजामुद्दीन से झांसी ट्रेवल कर रहे थे। पुलिस और रेलवे स्टाफ की सतर्कता के कारण महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा की कोई भी सुविधा न होने से कभी भी गंभीर खतरा हो सकता है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।